तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आपके भी आईफोन की फेस आईडी डिसेबल हो चुकी है और आप एप्पल स्टोर से कुछ भी चीज डाउनलोड करते हैं मगर वो चीज डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं होती, उसके लिए आपको अपने आईफोन का पासवर्ड डालना पड़ता है या एप्पल आईडी का पासवर्ड डालना पड़ता है, उसकी जरूरत आपको अब बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक सेटिंग कर लो जिसकी मदद से आप इजिली एप्पल स्टोर से कुछ भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी आईफोन की सेटिंग पे। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अपनी आईफोन की सेटिंग पर। यहाँ से थोड़ा नीचे की साइड अपन को जाना है, फेस आईडी एंड पासवर्ड पे अपन को क्लिक करना है। यहाँ से मोबाइल का जो भी पासवर्ड है वो अपन को डाल लेना है। और आप देख सकते हैं जो मेरी फेस आईडी है वो डिसेबल हो चुकी है। और आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी का, इस ऑप्शन को आपको डिसेबल कर लेना है। फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है, फिर आपको नीचे की तरफ आ जाना है और अपनी एप्पल आईडी पर क्लिक करना है। और आपको आई क्लाउड के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा मीडिया एंड प्रोसेसेस का, इस ऑप्शन को आपको टैप करना है, पासवर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। और आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिक्वायर पासवर्ड का, ये ऑप्शन आपका इनेबल होगा, इसे आपको डिसेबल कर लेना है। फिर आपको यहाँ से इसे डन करना है और यहाँ से बैक आ जाना है। फिर अपने ऐप स्टोर में चले जाना है और यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऐप स्टोर में एप्पल आईडी का पासवर्ड था वो हट गया है। अब आपको यहाँ से वापस बैक आ जाना है, फिर से अपनी सेटिंग पर चले जाना है, एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर टच के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर ऊपर एक्सेस टच के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। फिर यहाँ से वापस बैक आ जाना है और अपने ऐप स्टोर में चले जाना है और यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है। अब इस इंस्टॉल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।